नंबर ले लेंगे। 27 में आप लोग देखने जा रहे हैं कि प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है और यहाँ की जनता जितना इनके साथ शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसका बदला लेने जा रही है। और आप देखेंगे कि पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, कमजोरों की, जिनकी कोई आवाज नहीं बनता, उनकी आवाज बनने का काम माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी करेंगे, अध्यक्ष जी करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन जब होगा तो इस प्रदेश की जो खूबसूरती आप लोगों को नजर आएगी वो काबिले तारीफ होगी। बस हमें भी इंतजार है प्रदेश में खुशहाली आए और हर युवा मुस्कुराए। चुनाव की सीटों का ऐलान हो गया है और उस पर एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी गई है, क्या कहीं इससे गठबंधन पर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है? देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। उपचुनाव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का इतना बड़ा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है। ऑल्दो कांग्रेस अच्छा संघर्ष कर रही है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ उनका जनाधार नहीं है। यहाँ पर तो एक ही नाम चलता है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, और वही नाम यहाँ सदियों सदियों तक गूंजता रहेगा। जो हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी जो नींव रख कर गए हैं, उस नींव को उखाड़ पाना बहुत मुश्किल रहेगा जब तक हम जैसे लोग भी संरक्षण देने का काम करेंगे समाजवादी विचारधारा को। धन्यवाद।